लॉकडाउन के समय पूरा प्रशासनिक अमला कोरोना से निपटने में लगा है, लेकिन सूचना तंत्र व पुलिस इसमें फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक आटा फ्लोर मिल में नियमों का उल्लंघन कर मजदूरों के मोबाइल छीनकर उनसे मजदूरी कराई जा रही थी। इतना ही नहीं, ये मजदूर मिल का गेट कूदकर फरार हो गए थे, जिन्हें 40 किलोमीटर दूर जमोनिया खुर्द दोराहे थाने से वापस लाकर एक बार फिर काम में लगा दिया। खास बात तो यह है कि आटा मिल के संचालक ने ना तो मजदूरों की सूचना दी और ना ही मंडी थाने को इस मामले में भनक लगी। जब वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना लगी तो मौके पर जाकर 20 से अधिक मजदूरों की जांच कराई, साथ ही एक संदिग्ध का सैंपल लिया गया। जानकारी के अनुसार मंडी थाने के तहत आने वाली पंचायत जमोनिया टैंक में राजेश राठौर द्वारा एक ट्रेड किक्स इंटरनेशनल आटा फ्लोर मिल का संचालन हो रहा है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान चित्रकूट, रीवा, झांसी सहित सीहोर के मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मंडी थाने को इसकी भनक नहीं लगी और न ही फ्लोर मिल संचालक ने इसकी सूचना दी, जबकि प्रशासन को फोन पर सूचना दी गई कि यहां 20 से अधिक मजदूरों से काम करा रहे थे, जिसे 10 को बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है, जिसको लेकर SDM आदित्य जैन, CSP मंगल ठाकरे एवं अपने बल के साथ मौके पर पहुंचे तो मजदूर बिना फिजिकल डिस्टेंस व बिना मास्क के मिल के काम कर रहे थे, जिन्हें बुलाकर पूछताछ की, साथ ही स्वास्थ्य अमले को बुलाकर 20 से अधिक मजदूरों की जांच कराई गई। इस दौरान एक मजदूर संदिग्ध मिला, जिसे जिला अस्पताल भेजकर सैंपल लिया गया। मुझे टैंकी के पास एक आटा मिल है, जिस पर सर कुछ लोग बंधुआ मजदूर के रूप में मिले हैं। सर क्या मामला था पूरा ये? आज हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली है कि ये मैदा मिल में, आटा मिल में कुछ मजदूर बाहर के काम कर रहे हैं, इनको जबरदस्ती रोका गया है, ऐसी सूचना मिली है। इस संबंध में हम मजदूरों से मिलकर के भी इनका स्टेटमेंट ले रहे हैं, वो क्या कहते हैं जांच का विषय है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई जो भी होगी जैसी होगी। सर कोरोना वायरस जो गंभीर बीमारी है, उसके चलते भी इनकी जांच हुई कि नहीं हुई सर? अभी टेस्टिंग कॉम्बैक टीम से उसकी जांच करा दी है और उसमें अभी ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। एक लड़के को हल्का सा बुखार और खांसी थी, तो उसका सैंपल के लिए अस्पताल भेजना है।